नोटिफिकेशन वॉल्यूम 0%। हेलो दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट पे मार्जिन्स टैप पेज साइज एंड टैप ये सब सेंटीमीटर्स में है तो इंचेज में कैसे करेंगे, अगर इंचेज में है तो सेंटीमीटर में कैसे करेंगे या मिलीमीटर में कैसे करेंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग आइज अ न्यू वे में। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बात करें अगर हम सेंटीमीटर्स में या फिर इंचेज की, तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, ये तो आपको मालूम होगा। लेकिन आपको पता है आपका जो इंच होता है वो कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच होता है। आगे और बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, नॉर्मल नॉलेज के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो 12 इंच का जो स्केल होता है जिसको आप 30 सेंटीमीटर बोलते हैं, और आपका जो छोटा वाला स्केल होता है जो कि 15 सेंटीमीटर का होता है उसको 6 इंच होता है। अगर आप डिवाइड करोगे तो करीब वत नहीं आ जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर आएंगे। अब हम इसको जब हम टैब की प्रेस कर रहे हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे, देखिए ये क्या बोल रहा है, 3.81 सेंटीमीटर। अब मुझे सेंटीमीटर्स का तो अंदाज़ा ही नहीं कि कैसे करेंगे। मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में सभी जगह मैंने इंचेज में डिटेल्स बताया, अगर मार्जिन 1 इंच सेट करना है और पे साइज इटनेप में A4 का जो साइज है वो 8.27 × 11.69 होता है, और इस तरह से आपका आउटलुक पहले से माइंड में फिट है। तो ये चेंजेस सेंटीमीटर्स में है अगर, तो सेंटीमीटर से इंच में कैसे होगा या इंच की जगह मिलीमीटर में कैसे होगा, तो ये सारे चीज़ आज हम देखेंगे। किसी किसी को इंच में आइडिया नहीं होता, सेंटीमीटर में होता है, किसी किसी को सेंटीमीटर में नहीं इंच में आइडिया होता है। तो इंच में मैं आज इसको टॉगल करता हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे Alt+F। देखिए इसके बाद का जो कमांड है ना वो आपका आपके MS Office के वर्जन के अकॉर्डिंग है। अगर आप 2016 यूज कर रहे हो, MS Office 2016 या फिर लेटेस्ट वाला यूज कर रहे हो, तो T प्रेस करना होगा वर्ड ऑप्शंस में जाने के लिए, और नहीं तो फिर आप 2007 यूज कर रहे हो या फिर कुछ इस टाइप के वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको जो प्रेस करना है वो I प्रेस करना होगा। बेसिकली आपको जाना होता है वर्ड ऑप्शंस डायलॉग में, ठीक है। तो मैं ये चूंकि मैं MS Office 2007 है मेरे कंप्यूटर पे, तो मैं 2007 का आपको बता दिया हूँ, और अगर आपको 2016 में करना है तो यहाँ पे आप प्रेस करोगे T। मैं यहाँ पे I प्रेस कर रहा हूँ चूंकि ये मेरा 2007 वर्जन है MS Office का। और एक बात और आगे, एक बात इसमें और इंक्लूड करना चाहूँगा कि यदि आप यहाँ पे चेंजेस करते हो इंचेज में सेंटीमीटर्स में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ MS वर्ड में चेंज किए हो, इसका मतलब है आपने एक्सेल में भी चेंज कर दिया, पावर पॉइंट में भी चेंज कर दिया, मतलब MS ऑफिस के एप्लीकेशन में चेंज कर दिया। आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं यहाँ जहाँ जा रहा हूँ ना उसमें इधर उधर की चीज़ें आप बिल्कुल ना छेड़ें अगर आपको आइडिया नहीं है तो, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ बस आपको वैसे ही काम करना होगा, ये सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। तो मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे मैंने Alt+F कर दिया है जिससे आपका ऑफिस बटन या फिर फाइल मेन्यू खुल जाता है। तो यहाँ पे मैं I प्रेस कर रहा हूँ, जो 2016 के बच्चे हैं मतलब कि MS Office 2016 जो यूज कर रहे हैं वो T प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रेस किया Alt+F I, और जो 2016 वाले हैं उन्होंने प्रेस किया होगा Alt+F T, तो यही आ जाएगा। अब वो भी और हम भी कंट्रोल टैप करके जाएंगे कहाँ कहाँ जाएंगे, एडवांस पे। तो कंट्रोल टैप प्रेस कर रहा हूँ, देखिए जो 2016 वाले वर्जन यूज होंगे उसमें हो सकता है इसमें और ज़्यादा ऑप्शंस हों, तो कंट्रोल टैप हो सकता है और भी प्रेस करना पड़े। तो कंट्रोल टैप करके एडवांस में ही जाना है, वहाँ भी आपको एडवांस मिल जाएगा। वहाँ आपको प्रेस करना होगा Alt+M। देखिए ये बोला मेजरमेंट वाला ऑप्शन नहीं बोल रहा है ना, तो एक बार और Alt+M करना है, उसमें सुनना है मेजरमेंट वर्ड या इंच या सेंटीमीटर वर्ड। ये बोला सो मेजरमेंट्स इन यूनिट्स कॉम्बो बॉक्स इंचेज या सेंटीमीटर, इस टाइप से बोलेगा। तो यहाँ पे आप अप एंड डाउन से इंचेज पे चले जाओगे, या सेंटीमीटर में जाना है तो सेंटीमीटर में चले जाओगे। सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मैं डाउन एरो पे करता हूँ, पॉइंट्स है, पिकस है, इंचेस है, तो मुझे इंचेस चाहिए तो मैं इंचेस में ही रहने दूंगा। और अगर आप MS Office 2007 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे इंटर मारोगे तो अपने आप ओके बटन क्लियर हो जाता है, ओके बटन
प्रेस हो जाता है, आप चाहो तो टैप टैप करके ओके बटन पे जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे टैप टैप करके जाने का मतलब है बहुत ज़्यादा टैप प्रेस करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ क्योंकि, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे एक बार और इंटर करूँगा कि वर्ड ऑप्शंस डायलॉग पे भी ओके बटन इंटर हो जाए। अब मैं टैप प्रेस करूँगा, 2 inches, 2.5 inches, पहले जो कि ये सेंटीमीटर में था। अब अगर पेज साइज एंड टाइप में आप जाओगे और A4 में देखोगे डायमेंशन, तो वो सेंटीमीटर में नहीं बल्कि अब आपका इंचेज में जाएगा। अगर आप वापस इंचेज से आपको सेंटीमीटर में करना है तो वापस से वैसे ही प्रेस करना होगा। चलिए एक क्विक व्यू बता देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में क्या किया है। अल्ट प्लस एफ देन आई, ठीक है, तो आपका खुल जाएगा वर्ड ऑप्शंस। उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल टैप करके एडवांस में जाना है। एडवांस में आप याद रखें डाउन एरो से कहीं नहीं जाएं या टैब से भी कहीं नहीं जाएं, आप डायरेक्टली प्रेस करें अल्ट प्लस एम, तो एक पैराग्राफ वाला बोलेगा, उसमें आप कुछ ना करें, वापस से अल्ट प्लस एम करें तो उसके बाद वो बोलेगा सो मेजरमेंट्स यूनिट्स इन कॉम्बो बॉक्स इंचेज या सेंटीमीटर, ये भी होगा जो भी होगा अपना, अप एंड डाउन एरो से चुनें और उस पर एक नहीं दो बार इंटर करें, आपका सेट हो जाएगा। अगर इंटर करने से सेट नहीं होता है तो टैप टैप की से थोड़ा ज़्यादा बार प्रेस करना पड़ेगा, आप ओके बटन पे जाएं और उसके बाद इंटर करें, डैट्स इट। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।